मेरे मोहतरम भाइयों, ये जिसको आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, यूरोप में इसको कहा जाता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, ये जितनी बोतलें आप लोग पीते हैं उसका नाम एक्स वाई जेड कोई भी है, ये जितने आप हेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, एनर्जेटिक ड्रिंक्स लेते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं। इसमें ना एक फीसद वाइटामिन्स है, ना इसमें कोई मिनरल्स हैं, ना इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ना इसमें कोई कार्ब्स हैं, ना इसमें कोई फैट है। इसमें कोई एक चीज ऐसी नहीं जो आपके जिस्म को फायदा देती है। फिर पीते क्यों हैं मेरे मोहतरम भाइयों? ये कार्बोनेटेड वाटर है। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है? इंसान अपने जिस्म में ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज जल जाती है, सड़ जाती है, वो कार्बन है। और आप लोग जो बोतलें पी रहे हो वो कार्बोनेटेड वाटर है। और मीडिया में, टीवी में कमर्शियल आई, खाने का मजा सेवन अप से, खाने का मजा पेप्सी से, जिसने ड्यू ना किया वो क्या जिया? कोक आपके खाने को हजम करने के लिए, सेवन अप आपके खाने को हजम करने के लिए, स्प्राइट आपकी गर्मी को खत्म करने के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें खतरनाक चीज मीठा है। एक बोतल में 7-7 चम्मच चीनी है। इसमें फास्फोरस है। इसमें वो केमिकल्स हैं जिसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट, ये जब मेरी जिस्म को अल्लाह ने बनाया था ना, तो मेरे दिमाग को अल्लाह ताला ने बता दिया था क्या हजम करना, क्या हजम। जब आप ऐसी चीजें अपने जिस्म में दाखिल करते हो जो अल्लाह ताला ने पैदा, आपका जिस्म भी उसको हजम। अब आप जबरदस्ती हो, आपने ले तो ली, अब बेचारा जिस्म क्या करेगा? उसको कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो वो जो कुछ ना कुछ होता है वो तबाही है, वो हलाकत है, वो बीमारी है। हर वो चीज खाओ जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, और हर वो चीज छोड़ दो जो इंसानों ने बनाई है, क्योंकि इंसानों की बनाई हुई चीजों के पीछे मफादात हैं, मकासद हैं। और हर चीज जिस इंटेंशन से जो काम किया जाता है वो इंसानों को वही प्रोवाइड करती है। जब हमने ये चीजें बनाई किस नीयत से? बिजनेस के लिए, पैसे के लिए। तो ये आपको पैसा तो देगी, बिजनेस तो देगी, सेहत नहीं दे सकती। जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये आपकी हड्डियों को कमजोर करते हैं, आपके मेदे की लेयर्स को खत्म करते हैं, आपके गैस्ट्रिक जूस को खराब करते हैं, आपके खाने के हजम के निजाम को खत्म करते हैं। आपके जिस्म में जितने हार्मोन्स पैदा होते हैं, उन हार्मोन्स को इनबैलेंस करने में ये सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। मर्दों को बांझ करने में, औरतों को बांझ करने में, इनफर्टिलिटी के ये एक बहुत बड़ा सबब है। और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बड़ी बात, ये आपके सब्र को, सुकून को, चैन को, इत्मीनान को, राहत को, तस्कीन को, हौसले को, बर्दाश्त को खत्म करते हैं। क्योंकि ये चीजें अल्लाह ने पैदा, जब ये बदन में जाएगी तो आपकी रूह इसको लेके मुतमिन होगी। फल खाने से, सब्जियां खाने से, ड्राई फ्रूट खाने से आपकी रूह को क्या मिलेगी? तकवियत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगी। लेकिन जब हम ऐसी चीजें लेंगे, यही मिसाल आपके फास्ट फूड्स की है, यही मिसाल आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स की है।